नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। और आज के वीडियो में हम लेके आए हैं आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि। जैसा कि आप सबको पता है कि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, जिसके अंदर हम ई और आर ओ का जो सिलेबस है उसके अंदर जो टॉपिक दे रखे हैं उसके अंदर हमने नगर पालिका गठन ये कंप्लीट हो चुका है, कार्य संचालन में वार्ड समिति ये कंप्लीट हो चुका है, नगर पालिका की संपत्ति इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो हमारे जो टॉपिक में क्रम वाइज अगर देखें तो क्रम वाइज हमने ये तीन टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अब आज हम नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे नगर पालिका वित्त और नगर पालिका की निधि, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर अगर आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इस तरह के जो है आपको इजी लैंग्वेज में मैटर अवेलेबल हो सके। ठीक, ये जो हम बात कर रहे हैं नगर पालिका वित्त और नगर पालिका नीति, ये आपके नगर पालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 5 में दिया हुआ है और ये धारा 76 से लेकर 89 तक इसका वर्णन किया हुआ है। नगर पालिका वित्त और नगर पालिका नीति में संबंधित चीजें हैं कि जो नगर पालिका संचालन के लिए जो भी पैसा राजस्व जो भी प्राप्ति होती है उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है कि किन किन तरीकों से यहाँ पे जो है पैसा आता है नगर पालिका के अंदर। तो धारा 76 की हम बात करें तो इसमें स्पष्ट इस लिखा हुआ है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग क्या होता है, जो आपको जैसे केंद्रीय वित्त आयोग होता है उस तरह से राज्य वित्त आयोग होता है कि राज्य से मतलब पंचायती या स्थानीय शासन या पंचायती राज से संबंधित जो भी वित्तीय स्थिति का जो भी अवलोकन किया जाता है वो राज्य वित्त आयोग के अंडर में होता है। तो राज्य वित्त आयोग नगर पालिका की वित्तीय स्थिति का अवलोकन करेगा, स्पष्ट लिखा हुआ है साफ साफ। और उसमें वो क्या क्या काम करेगा, राज्य द्वारा जो लगाए गए ऐसे कर शुल्क पथकर और फीस की प्राप्ति जो राज्य और नगर पालिका के बीच विवादित किए जाएं, मतलब राज्य जो टैक्स लगाएगा ना, कोई भी टैक्स लगा दिया ठीक है, कोई भी शुल्क लगा दिया या कोई भी जुर्माना लगा दिया ठीक है, कोई भी जुर्माना लगा दिया या कोई फीस जो है फीस वसूल करता है तो उसको राज्य और नगर पालिका के भीतर बांटा जाएगा और वो किस अनुपात में बांटा जाएगा उसका डिसीजन राज्य वित्त आयोग करेगा ठीक है, मतलब उनके मध्य वितरण करेगा और आवंटन का कार्य करेगा। जो कर लगाए जाते हैं, कर शुल्क पथकर, पथकर मतलब अपन टोल टैक्स मान सकते हैं, तथा फीस के अवधारण नगर पालिका को समनुदिष्ट कर व्योनिजित की जा सकेगी। एक सेकेंड, हाँ व्योनिजित की जा सकेगी, मतलब नगर पालिका को ही वो जो है कर टैक्स वगैरह जो है दी जा सकेगी। राज्य की संचित निधि से नगर पालिका को अनुदान, राज्य की खुद की संचित निधि होती है ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि इनसे ही नगर पालिका गुजारा हो जाएगा, ये जो पथकर शुल्क और टैक्स या किसी प्रकार का जो राशि जो नगर पालिका को राज्य सरकार देगी उसी से नगर पालिका गुजारा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नगर पालिका को और अतिरिक्त पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो राज्य की संचित निधि से वो नगर पालिका को अनुदान दिया जाएगा। इसकी सिफारिश कौन करेगा, राज्य वित्त आयोग ठीक है। नेक्स्ट देखो, नगर पालिका की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए उपाय बताएगा कि नगर पालिका का वित्तीय स्थिति कमजोर है तो उसको सुधारने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं वो राज्य वित्त आयोग बताएगा। नगर पालिका की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति के हित में राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को सिफारिश देगा, मतलब कुछ ऐसी चीज हो गई है कि राज्य वित्त आयोग जो है आपके नगर पालिका की स्थिति सुधारने के लिए कि राज्यपाल को सिफारिश प्रदान करेगा कि इस नगर पालिका में इस तरह से किया जाना उचित होगा। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश, यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि राज्य वित्त आयोग ने जो सिफारिश की है और जो कार्रवाई के संबंध में राज्य विधान मंडल में रखी जाएगी, मतलब राज्य वित्त आयोग ने जो सिफारिश की है ना राज्यपाल को और जो कार्रवाई करी है उसको राज्य विधान मंडल मतलब विधानसभा का जब सत्र चलेगा तो वहां पे रखी जाएगी और सरकार उसे पास करवाना जरूरी होगा ठीक। नेक्स्ट चलते हैं धारा 77, 76 समझ में आ गया होगा आपको। अब धारा 77 में क्या लिखा हुआ है कि राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन, मतलब राज्य वित्त आयोग ने नगर पालिका की स्थिति को सुधारने के लिए सिफारिशें प्रदान कर दी लेकिन उनका क्रियान्वयन किस तरह से होगा उसके बारे में 77 में चर्चा की गई है। सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार क्या कार्य करेगी इसके बारे में वर्णन किया गया है। कर शुल्क या कोई पथकर या फीस के शुद्ध आगमों का
नगर पालिका को न्यायगमन, मतलब कोई भी राज्य सरकार क्या कर सकती है कि राज्य वित्तायोग की सिफारिश पर ऐसे कोई भी टैक्स शुल्क कर पत्कर लगती है तो वो नगर पालिका को सौंप सकती है कि आप इसमें वसूली करो और आपकी अपनी जो है संपत्ति सृजन करो। कर शुल्क पत्कर आदि का नगर पालिका को निर्देश, मतलब नगर पालिका को निर्देश दे सकती है कि ये शुल्क लगाना जरूरी है ये या नहीं। अगर नगर पालिका कोई ऐसा शुल्क लगा देती है या ऐसा टैक्स लगा देती है जो जनता के हित में नहीं है, जो आवश्यक नहीं समझा जाएगा, तो राज्य सरकार जो है उसको निर्देश दे सकती है। ठीक है, राज्य की संचित निधि में नगर पालिका को सहायता अनुदान, राज्य की संचित निधि में नगर पालिका को सहायता अनुदान दे सकती है। नगर पालिका की वित्तीय स्थिति को सुधारने हेतु उपाय, तो ये सारे जो है कार्य वो आपके राज्य वित्त के हैं और उसकी सिफारिशों का क्रियान्वयन करने से संबंधित है। नेक्स्ट देखो धारा 78, राज्य सरकार से वित्तीय सहायता। मैंने अभी आपको बताया था ना कि जो ये पथ कर शुल्क टैक्स जो भी लगते हैं उसके अलावा भी राज्य नगर पालिका को राजस्व की या पैसों की जरूरत पड़ती है, तो पैसों की पूर्ति वो कहाँ से होती है कि वो राज्य सरकार जो है आपको वित्तीय सहायता प्रदान करेगी नगर पालिका को। उसमें हम चर्चा करते हैं कि राज्य सरकार समय समय पर नगर पालिका को अनुदान उपलब्ध कराएगी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। अनुदान से मतलब ये होता है, अनुदान कई बच्चों को पता होगा कईयों को नहीं पता होगा, अनुदान से मतलब होता है कि राज्य सरकार ने 100 रुपए दिए ना नगर पालिका को, तो वो 100 रुपए लेगी नहीं वापस, वो नगर पालिका देने के लिए दायित्व ही नहीं है, दायित्व नहीं है नगर पालिका का। अनुदान का मतलब यही होता है, दान में दे दिया। दान अलग चीज होती है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वो दोबारा देने की जरूरत नहीं है उस पैसे को। राज्य सरकार इस तरह के अनुदान देने के लिए एक स्कीम के आधार पर राशि प्रदान करेगी जो कुछ शर्तों के साथ रहेगी। अब मान लो, अब मैं बताऊँ आपको, जैसे अभी इस पर समझ में आ जाएगा क्या है इसमें स्कीम के तहत अनुदान देगी। इसका मतलब यह है कि मान लो अभी कुछ दिनों पहले है ना, बीजेपी की गवर्नमेंट ने राजस्थान के अंदर एक मुख्यमंत्री, सबको पता होगा नहीं पता होगा कई बच्चों को पढ़ा, ये एक योजना आई थी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन मिशन। ठीक है, इस मिशन का उद्देश्य था कि जो भी बरसात का पानी होता है उसका जो है आपके वाटर हार्वेस्टिंग के तहत उस उनका जो है संग्रहण करना, वाटर का संग्रहण करना है ना, संरक्षण करना वाटर का। तो ये एक योजना थी, इसके तहत जो ये थी नगर पालिकाओं ने हर सरकारी बिल्डिंगों में जा जाके ये जो है कंस्ट्रक्शन ऐसा तैयार किया था कि वो बरसात का पानी बिल्कुल एक बिल्कुल एक हौद के अंदर जमा हो जाता था, बिल्कुल इस तरह से काम किया था। उस स्कीम के तहत राज्य सरकार ने हर नगर पालिका को बजट प्रदान किया था, तो स्कीम के आधार पर बजट देती है, अनुदान देती है ना। इसी तरह से जब अभी जो अपने सफाई के लिए कौन सा चलाया था केंद्र सरकार ने, स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन को जो है बनाने के लिए, बिल्कुल स्वच्छ भारत मिशन को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार ने नगर पालिकाओं को क्या दिया था, आपके अनुदान दिया था। ठीक है, तो इस तरह से नगर पालिका को राज्य सरकार पैसा प्रदान करती रहती है। राज्य सरकार नगर पालिका को नगर पालिका की वार्षिक विकास योजनाओं में सम्मिलित किसी स्कीम के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए अनुदान देगी। मतलब नगर पालिका कोई स्कीम लगाना चाहती है अपने वहां पे, तो राज्य सरकार उस स्कीम के आधार पर वह पैसा प्रदान करेगी। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो धारा 79, धारा 79 में क्या लिखा हुआ है कि नगर पालिका निधि, नगर पालिका निधि से क्या मतलब है। देखो अभी मैंने आपको बताया नगर पालिका को राज्य सरकार या राज्य वित्त आयोग जो है पैसा प्रदान करते हैं, परंतु नगर पालिका की खुद की भी एक संपत्ति होती है जिससे वह खुद को अपनी खुद जो है कमाती है, और उसके लिए एक जो है फंड होता है वो होता है नगर पालिका निधि, उसको इस नगर पालिका निधि में जमा कराती है। जैसे यूडी टैक्स है आपका, कई बच्चों को पता होगा यूडी टैक्स क्या होता है, नगरीय विकास कर अर्बन डेवलपमेंट टैक्स। ये क्या होता है कि ये नगर पालिका खुद की जो है एक जो है टैक्स होता है जिससे नगर पालिका का इनकम ऑफ सोर्स होता है, और नगर पालिका उसको नगर पालिका निधि में जमा कराती है। नगर पालिका निधि नाम से एक निधि होगी, एक फंड होगा जिसे नगर पालिका द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए निर्धारित किया जाएगा। मतलब इस फंड का उपयोग कहाँ किया जाएगा, 2009 जो अधिनियम है उनकी समस्त बातों को लागू करने के लिए, मतलब कहीं विकास कराना है, कोई स्कीम लानी है, या सड़कें बनवानी है, नालियां बनवाना है, उसके लिए उपयोग लिया जाएगा। समस्त प्रकार की जो वसूल की गई राशि धन इसमें जमा कराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो नगर पालिका की प्राप्ति
मतलब नगर पालिका का जो इनकम सोर्स है प्राप्त हो रहा है तथा व्यय जो खर्च हो रहा है एक्सपेंडिचर है का लेखा शीट पृथक पृथक कार्यों के लिए पृथक पृथक रखा जाएगा। मतलब कि ऐसे टेबल बनाई जाएगी, ये मानो आप, इसमें तो होगी प्राप्तियां और इसमें होंगे खर्चे, खर्चे या व्यय। प्राप्ति कहाँ कहाँ से होगी, मान लो जन्म मृत्यु के जो सर्टिफिकेट होते हैं उनसे जो फीस लेते हैं, कोई टैक्स लगा के लेते हैं है ना, कोई पत्थर लगा के लेते हैं, या अन्य कोई संपत्ति बेचकर नगर पालिका को जो है आपके क्या मिलती है, नगर पालिका को पैसा प्राप्त होता है। और खर्चे कहाँ कहाँ होंगे, सड़क बनवानी है, नालियाँ बनवानी है, रोड लाइट बनवाने हैं, रोड लगवाने हैं, खंबे लगवाने हैं, आपके कैमरे लगवाने हैं, स्कूलों का निर्माण करना है, हॉस्पिटल का निर्माण करना है, शौचालय का निर्माण करना है, गौशाला बनानी है। तो खर्चे इस तरह से जो है आपके अलग अलग मद अलग अलग हेड में जो है बनाई जाएंगी। इस अधिनियम के तहत उपयोगिता प्रभारों का निरूपण भी किया जा सकेगा। उपयोगिता प्रभार क्या होते हैं, ये भी एक तरह का टैक्स होता है। उपयोगिता प्रभार ये देखो, उपयोगिता प्रभाव ये भी एक तरह का क्या होता है, टैक्स होता है। जैसे जो उपयोग करेगा ना वो इसको चुकाएगा, क्या जो उपयोग करेगा वो इसको चुकाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, का मतलब ये हो गया। जैसे हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जैसे बिजली के बिल आता है आपका, है ना, बिजली का बिल आता है, बिजली का बिल आपने देखा होगा कि उसमें जो है टैक्स लग के आता है, सर्विस टैक्स होता है या सेस होता है, उस तरह से ये उपयोगिता प्रभार होता है। उपधारा दो में वर्णित प्रत्येक लेखा शीर्ष राजस्व लेखा व पूंजी लेखा में विभाजित किया जाएगा, ठीक है, तथा प्राप्तियों तथा व्ययों के समस्त मदों को ऐसे राजस्व लेखा या पूंजी लेखा के अधीन समुचित रूप से रखा जाएगा। मतलब ये प्राप्ति और खर्चे का अलग अलग मद हो गई, प्राप्ति और खर्चे की अलग अलग मद हो गई, ये मैंने आपको बता दी। उसके बाद भी इसमें बोला हुआ है कि राजस्व व्यय और एक पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय का क्या मतलब है, जैसे राजस्व आय हो गई, ठीक है, और एक पूंजीगत आय होगी। तो मतलब कोई जमीन बेची उसके बाद जो पैसा प्राप्त हुआ तो वो हो गया आपका पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय मतलब कोई टैक्स से प्राप्त हुआ वो हो गया आपका राजस्व व्यय। मतलब इस तरह से आपका जो है बिल्कुल डिफाइन किया जाएगा कि इस मद में ये वाला पैसा आएगा, इस वाले मद में ये वाला पैसा आएगा, बिल्कुल डिटेल में, है ना। हमें ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत है नहीं, बस हमको मोटा मोटा समझना है कि क्या चीज होती है। धारा 80 में क्या लिखा, नगर पालिका निधि का उपयोग, नगर पालिका निधि में समय समय पर जमा जो धन है उसका उपयोग अधिनियम में बनाए गए नियमों और कार्य स्थिति के हेतु विधि के अधीन रहते हुए किया जाएगा। मतलब इसका उपयोग नगर पालिका जो है नियम के अनुसार करेगी, नियम के अनुसार जो भी पॉसिबल होगा वहां पे ये पैसा खर्च किया जाएगा। धारा 81 में लिखा हुआ है नगर पालिका निधि में से जब तक संदाय नहीं किया जाएगा, मतलब नगर पालिका निधि में से पैसा जब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक कि वह बजट अनुदान में समाविष्ट नहीं हो। बजट अनुदान से क्या मतलब है कि हर साल देखो राज्य सरकार का भी बजट आता है और इस तरह से नगर पालिका भी बजट तैयार करती है। बजट में वो स्पष्ट बताती है कि पिछले साल की क्या क्या प्राप्तियां थी और अगले साल हमारे क्या क्या प्राप्तियां होने की संभावना है, पिछले साल क्या खर्चा किया था और इस साल क्या क्या खर्चा करा जाएगा। तो नगर पालिका निधि में से तभी पैसा निकाला जाएगा जब इस बजट में आने वाले साल में खर्चे किए जाने के अंदर उसका उल्लेख हो, समझ गए। मान लो आने वाले साल में हमको सड़क बनाने के लिए पैसा चाहिए सड़क बनाने के लिए, तो वहां पे बजट में प्रस्ताव रख दिया जाएगा कि इस चीज के लिए पैसा पहले से रिजर्व है। समझ में आ गया, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ, ये आधार निम्न मामलों के संदर्भ पर लागू नहीं होगी। मतलब कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर बजट में रखना आवश्यक नहीं है। क्या क्या चीज है, कर और अन्य धन जो अधिनियम द्वारा प्राधिकृत है, ठीक है, संविदाकारों मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होते हैं ना जो, तथा अन्य व्यक्ति को संबंधित और निक्षेप में धारित धन और नगर पालिका द्वारा भूल व संग्रहित या नगर पालिका निधि ही में निक्षेपित धन। इसका मतलब क्या है, मतलब क्या होता है कि संविदाकार, इसका मतलब यह है जैसे मान लो क्या होता है कि कोई टेंडर होता है नगर पालिका की सड़क बनानी है, उसका टेंडर निकाला जाएगा। टेंडर के लिए होती है अमानता राशि जमा। जैसे मैं कुछ ठेकेदार हूं और मैं कुछ
कोई जो है टेंडर लेना चाहता हूँ तो उसके लिए नगर पालिका में अमानता राशि जमा करानी पड़ेगी। अब अमानता राशि जमा करानी पड़ेगी तो जमा जो राशि है उसका भुगतान किया जाएगा, अगर मेरे टेंडर नहीं खुलता है तो उसका भुगतान वापस से किया जाएगा। एक तरह से अमानता राशि मतलब अपन समझे आसान भाषा में, आपको इंग्लिश में देखो कई चीज़ ऐसी होती है जो इंग्लिश में आसान लगती है, हिंदी में अमानता बोलते हैं और इंग्लिश में अपन बोलेंगे सिक्योरिटी मनी। सिक्योरिटी मनी वापस करनी होती है जब उसके टेंडर नहीं खुलता है, तो इसका संधारण इसका जो है आपको बजट में उल्लेख नहीं मिलेगा, ठीक है। या कोई ऐसी राशि जिसका नगर पालिका ने भूलवश संग्रहण कर लिया वो उसका उल्लेख नहीं मिलेगा। आगे क्या, राज्य सरकार द्वारा लोकहित के कार्यों हेतु अस्थायी संधा है ना, राज्य लोकहित का कोई काम आ गया, राज्य सरकार को लगता है लोकहित में जरूरी है तो राज्य सरकार ये घोषित कर दे कि ये लोकहित में जरूरी है, तो उसमें जरूरी नहीं है कि वो बजट में हो। खतरनाक रोग, कोई अचानक से कोई खतरनाक रोग फैल गया तो उसके लिए जो एक्सपेंडिचर होगा उसके बारे में इसमें बात की गई है। जैसे कोरोना टाइम में जो मास्क खरीदे थे, सैनिटाइजर खरीदे थे, या घर घर जाके जो भी है सैनिटाइजर किया गया था, तो इस तरह की जो चीजें हैं इनके लिए बजट में उल्लेख होना जरूरी नहीं है। राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई करने में नगर पालिका अगर विफल हो जाती है तो राज्य सरकार के अधीन तत्समय प्रभारी अन्य विधि। अगर राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई करने में नगर पालिका विफल हो जाती है, मतलब राज्य सरकार की कोई स्कीम है और नगर पालिका जो स्कीम को है जो लागू नहीं करवा पा रही है, तो उसके लिए क्या क्या उपाय किए जाएंगे। नगर पालिका के विरुद्ध किसी सिविल नगर पालिका के विरुद्ध किसी सिविल या दांडिक न्यायालय की डिक्री आदेश के अधीन कोई कार्य हो, किसी दावे वाद या अन्य विधिक कार्यवाही के समझौते के अधीन कोई रह गई हो चीज, ठीक है। नगर पालिका की संपत्ति या मानव जीवन को अचानक भय खतरे में टालने के लिए कार्रवाई या वेतन मजदूरी के मुद्दे आदि चीजों को बजट में नहीं रखा जाएगा, और बजट में नहीं रखा जाके इसका जो क्या है आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो इन इन सभी चीजों को छोड़कर अन्य सभी मामलों को बजट में रखना अनिवार्य है अगर नगर पालिका निधि से पैसा खर्च करना है तो। अब देखो धारा 82 में लिखा हुआ है लोक हित में तत्काल अपेक्षित कार्यों के लिए नगर पालिका निधि से अस्थायी संधाएं। अभी आया था ना ऊपर ऑप्शन कि राज्य सरकार लोक हित में अस्थायी संधाएं कर सकती है, तो उसके बारे में धारा 82 में वर्णन लिखा है कि लोक हित में अस्थायी संधाएं किया जाएगा। राज्य सरकार के लिखित आदेश पर नगर पालिका किसी भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी से ऐसे कार्य करवाने हेतु जो लोक हित में घोषित है वो अस्थायी संधाएं किया जाएगा नगर पालिका निधि से। मतलब राज्य सरकार लिखित आदेश जारी कर देगी और ईओ या कमिश्नर को कह देगी कि आपको लोक हित में ये कार्य करना है, इसके लिए नगर पालिका निधि से खर्चा किया जाना है, तो वो खर्चा किया जाएगा। कहाँ लिखा हुआ है, धारा 82। इस प्रकार के संपादित समस्त कार्यों की लागत और ऐसे कार्यों के निष्पादन करने के लिए आनुपातिक स्थापना प्रभार राज्य सरकार द्वारा संदत किए जाएंगे और नगर पालिका निधि में जमा कराए जाएंगे। मतलब कि राज्य सरकार मतलब कि कोई कार्य किया गया जो लोक हित में, उसके लिए जो भी अनुदान होगा नगर पालिका के पास अगर प्राप्त राशि है तो ठीक है, अगर नहीं है तो राज्य सरकार कुछ राशि प्राप्त दे देगी और उसके लिए फिर जो है आपको जमा नगर पालिका निधि में ही करा देगी। सीधी सी बात यह है। धारा 83, नगर पालिका की सीमाओं के बाहर व्यापगत उपगत करने की शक्ति। मतलब नगर पालिका राज्य सरकार के अनुमोदन से, ध्यान रखना राज्य सरकार के अनुमोदन से नगर पालिका क्या करेगी, नगर पालिका क्षेत्र के सीमा के बाहर नगर पालिका कर्त्य से संबंधित भौतिक आस्तियों का सर्जन करने, मतलब कोई संपत्ति का सर्जन करने तथा उनके रख रखाव के लिए नगर पालिका के सीमा के बाहर भी व्यय किया जा सकता है। इसके अनुमोदन से, राज्य सरकार के अनुमोदन से नगर पालिका के सीमा के बाहर भी जो है व्यय किया जा सकता है, ध्यान रखना इस चीज का। धारा 83 में लिखा हुआ है। हम बात करें धारा 84 में क्या लिखा हुआ है कि विशिष्ट प्रयोजन, कोई ऐसे विशिष्ट प्रयोजन के लिए नगर पालिका निधि से अन्य उपयोग, मतलब विशिष्ट प्रयोजन के लिए नगर पालिका निधि का अलग कार्य के लिए उपयोग किया जाएगा वो क्या है, राज्य सरकार के आदेश द्वारा नगर पालिका से नगर पालिका निधि के विशिष्ट भाग को, किसी एक भाग को अनुदान या नगर पालिका के कर्तव्यों से संबंधित किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए अन्य रूप से उपयोग में लेने के लिए चिन्हित करने की अपेक्षा करेगी। मान लो कोई विशिष्ट प्रयोजन के लिए कोई कार्य हो गया, विशिष्ट प्रयोजन मतलब लोक हित में, सबसे पहले चीज है लोक हित, अगर जनता का हित है उस चीज के अंदर और कोई
कार्य ऐसा है जिसको करना अनिवार्य है, तो राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात नगर पालिका वहां पे एक्सपेंडिचर कर सकती है ना, और ऐसे जो एक्सपेंडिचर है उसके लिए नगर पालिका नियम बना सकती है। धारा 85 में लेखाओं का प्रचालन, इसका मतलब है इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए नगर पालिका निधि में से संध्याय ऐसी रीति से किया जाएगा जो राज्य सरकार के नियमों के अधीन हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो 86, अधिशेष धन का विनिधान, मतलब जो नगर पालिका के पास एक्स्ट्रा धन है उसको किस तरह से यूज लिया जाएगा उसके बारे में धारा 86 में वर्णन है। नगर पालिका निधि के लेखा शीट्स में से किसी जमा अधिशेष जिसका तुरंत उपयोग किया जाना आवश्यक नहीं है, राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अन्य लेखा शीट में हस्तांतरित किया जा सकेगा। देखो क्या होता है कि लेखा शीट का मतलब है कि नगर पालिका के मान पास मान लो 100 रुपए हैं, 100 रुपए में से यहाँ पे हम बात करें कि 100 रुपए में से 40 रुपए सफाई के लिए खर्च होंगे एक साल के अंदर, है ना, और आपके 30 रुपये आपके जो हैं आपके काहे के लिए खर्च होंगे, विकास के लिए, विकास में मतलब आपके नालियाँ सड़क वगैरह ये चीज़ आ गई। ठीक है, कितने बचे 30 रुपये, और 30 रुपये आपके अन्य कार्यों के लिए जो है खर्च होंगे। अब क्या होगा कि सफाई में पूरे साल में कितने रुपए खर्च हुए, 30 रुपये, अब 30 रुपये खर्च हुए और यहाँ पे विकास में पैसे पड़ रहे हैं कम, तो 10 रुपये कम पड़ रहे हैं, तो 10 रुपये इधर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, इसका मतलब ये है। परंतु वाणिज्यिक परियोजना लेखा में जमा अधिशेष राशि धन नगर पालिका निधि में सामान्य लेखों में अंतरित नहीं किया जाएगा, मतलब कोई कॉमर्शियल परियोजना है, कोई वाणिज्यिक परियोजना है, उसके लिए जो धन है वहां पर अगर कोई अधिशेष बच रहा है तो उसको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, ये स्पष्ट लिखा हुआ है आपके धारा 86 में। वह अधिशेष धन जिसका अंतरण नहीं किया जा गया है राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन के पश्चात लोक प्रतिभूति या लघु बचत स्कीमों में विनियोजित किया जा सकता है तथा अनुसूचित बैंकों में ब्याज पर जमा कराया जा सकता है। अच्छा एक चीज और, या तो स्कीम में ट्रांसफर करके उसको खर्च कर दो, या दूसरा जो अधिशेष धन बच रहा है मान लो 50 रुपये बच रहे हैं, तो 50 रुपये को आप जो है बैंकों में जमा करा दो, है ना, अनुसूचित बैंकों में, बैंकों में जमा कर दो, बैंकों में उसमें आपको ब्याज मिलेगा, तो नगर पालिका की एक तरह से इनकम हो गई। ठीक है, या फिर उसे जो है आप इन्वेस्ट कर दो कहाँ पे, प्रतिभूति, सरकारी प्रतिभूतियां खरीद लो, सरकारी प्रतिभूतियां खरीद लो, तो वहां से भी आपको रिटर्न मिलने की बिल्कुल संभावना है। तो नगर पालिका का जो है सृजन हो रहा है किसका, संपत्ति का, खुद की इनकम हो रही है ना एक तरह से नगर पालिका की, इस तरह से इसमें वर्णन किया है। धारा 87, धारा 87 में नगर पालिका का बजट प्राकलन तैयार करना, धारा 87 में क्या लिखा है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रत्येक वर्ष में 15 जनवरी से पहले आगामी वित्तीय वर्ष, मतलब 15 जनवरी अभी जैसे चल रहा है दो, अभी है अक्टूबर 2022, तो 2023 और 24 का जो बजट आएगा ना वो आएगा आपके फरवरी लास्ट या मार्च, मार्च में हम मान लेते हैं, तो 2023 15 जनवरी से पहले ही, 15 जनवरी से पहले भी ही बजट प्राकलन और साथ ही नगर पालिका की स्थापना स्थापन सूची तैयार करेगा। कौन करेगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, हाँ लिखा हुआ है धारा 87 में। बजट प्राकलन नगर पालिका की वास्तविक आय, नगर पालिका की जो वास्तविक आय व्यय का प्राकलन होगा कि कहाँ से इनकम हुई है, कहाँ एक्सपेंडिचर हुआ है, अनुमोदन के लिए नगर पालिका में प्रस्तुत करने से पूर्व वित्तीय प्राकलन समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, मतलब उसे बोर्ड मीटिंग में पास करने से पहले वित्तीय प्राकलन समिति जो बनाई गई है, जो वार्ड समिति हमने पढ़ी थी वहां ऊपर उसमें ये होती है वित्त समिति, वहां पे उसका जो है क्या किया जाएगा आपके अनुमोदन किया जाएगा उसको, मतलब पास करने से पहले। धारा 79 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बजट प्राकलन शीर्ष विभिन्न लेखा शीर्षों के संबंध में नगर पालिका की प्राप्त की जाने वाली आय और व्यय को पृथक पृथक वर्णित करेगा, वो समझ में आएगा कि लेखाओं में स्पष्ट होगा, प्रत्येक खर्च का अलग से लेखा बनाया जाएगा, मतलब क्या होगा प्रत्येक खर्च का अपने अपने हेड होगा, शीट्स मतलब हेड, जैसे सफाई के लिए खर्च होगा ये अलग हेड हो गया, ये दूसरा ये हो गया कि विकास कार्यों के लिए होगा, ये लाइटों के लिए होगा या अन्य कार्यों के लिए होगा, ये अलग अलग से शीट्स हो गए। ठीक है, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना बजट में निम्न प्रस्ताव सम्मिलित नहीं किए जाएंगे,
नगर पालिका अपने स्तर पर बजट तो लाती है, लेकिन कुछ ऐसे जो है प्रावधान है, प्रस्ताव है, जो नगर पालिका राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के नहीं कर सकती। क्या? नए पदों का सृजन नहीं कर सकती। मान लो कि नगर पालिका नए पदों का सृजन नहीं कर सकती और रिक्त पदों को भरना ये नहीं कर सकती। मतलब मान लो किसी नगर पालिका में कोई कर्मचारी, मतलब आप ये मानो आईएन नहीं है, पोस्ट ही नहीं है वहां पे आईएन की, या मान लो दूसरी यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी की पोस्ट नहीं है एएसओ की, ये मानो है ना, तो यहाँ वहां पे क्या होगा कि वहां पे अपनी मर्जी से बोर्ड मीटिंग में रख के सीट क्रिएट नहीं की जा सकती। उसके लिए राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक है। नए यान क्रय करना है, कोई भी अगर यान क्रय करना है, यान से मतलब कोई गाड़ी खरीदनी है या कोई दमकल केंद्र खरीदना है या किसी तरह का कोई संसाधन खरीदना है, तो उसके लिए राज्य सरकार की परमिशन आवश्यक है। स्थावर संपत्ति का क्रय करना, मतलब राज्य सरकार की परमिशन से बिना स्थावर संपत्ति में अचल संपत्ति का जो है खरीद नहीं सकता। किसी प्राइवेट संस्था व्यक्ति को अनुदान अनुदान नहीं दे सकती नगर पालिका राज्य सरकार के बिना। बजट प्राक्कलन उन दरों को दर्शाएगा जिन पर अगले वर्ष नगर पालिका द्वारा विभिन्न कर अधिभार या उपकर और फीस ली जाएगी। अतः नगर पालिका जो है आपके, एक सेकंड, हाँ, बजट प्राक्कलन उन दरों को दर्शाएगा जिन पर अगले वर्ष नगर पालिका द्वारा विनिमय कर अधिभार उपकर और फीस ली जाएगी। मतलब उन दरों को दर्शाएगा, बजट प्राकलन में उनका वर्णन करना होगा। बजट प्राकलन अगले वर्ष के दौरान उधार के रूप में ली जाने वाली धनराशि को वर्णित करेगा। मतलब अगर उधार कहीं से लिया जाएगा नगर पालिका द्वारा, या ब्याज पर जो पैसे लिए जाएंगे उनको दर्शाएगा, क्योंकि तो वो भी तो नगर पालिका का दायित्व हो गया, वो चुकाना तो पड़ेगा, वो एक्सपेंडिचर में तो आएगा ही आपके। ठीक है, इस तरह से क्या है, आगे चलते हैं। तो अध्यक्ष ऐसी तारीख को जो प्रत्येक वर्ष की 31 जनवरी के बाद की ना हो, मतलब 31 जनवरी के पहले की कोई भी तारीख हो, कार्यपालक समिति द्वारा नियत की जाएगी वो तारीख। और प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी से पहले नगर पालिका द्वारा वो बजट है जो आपका पारित किया जाएगा। मतलब 15 फरवरी से जो आपको पहले बजट पारित किया जाएगा। धारा 74 के अधीन तैयार की गई वार्षिक तालिका और धारा 150 के अधीन तैयार किया गया विवरण विवरण बजट प्राकलन के साथ संलग्न किया जाएगा। मतलब प्राकलन जो बजट होगा उसके साथ जोड़ा जाएगा। क्या क्या? वार्षिक तालिका और आपका बजट। धारा 88, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, नगर पालिका के बजट प्राकलन की मंजूरी। मंजूरी कैसे मिलेगी? नगर पालिका बजट प्राकलन पर विचार करेगी। कौन करेगी? नगर पालिका विचार करेगी तथा प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी तक परिवर्तन तथा संशोधनों के साथ आगामी वर्ष के बजट के लिए अंगीकार करेगी। मतलब 15 फरवरी से पहले पहले आपको कोई बजट में परिवर्तन करना है या संशोधन करना है तो वो कर लीजिए, 15 फरवरी को वो जो बजट पास कर दिया जाएगा। और राज्य सरकार और उसकी प्रति निदेशक स्थानीय निकाय को भेज देगी। मतलब जो डिपार्टमेंट है डीएलबी, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज, उसको भेजकर राज्य सरकार को पेश करेगी कि बजट ये नगर पालिका का पर्टिकुलर ये है। यदि राज्य सरकार को लगता है कि उक्त में संशोधन करना आवश्यक है तो अपनी राय के साथ नगर पालिका को लौटा देगी, जिसे लागू निर्देशित करना नगर पालिका के लिए बाध्य होगा। अगर राज्य सरकार को लगता है कि ये बजट जो है आपको ये चीज इसमें पर्टिकुलर चीज नहीं होनी चाहिए थी, तो वो नगर पालिका को वो चीज लौटा देगी और नगर पालिका को उसको लागू करना अनिवार्य होगा, बाध्यकारी ये चीज, ध्यान रखना। लास्ट जो धारा है हमारे, इसमें लिखा हुआ है धारा 89, बजट को परिवर्तित करने की शक्ति। बजट अनुदान को परिवर्तित करने की आपकी शक्ति दी गई है। वो शक्ति क्या दी गई है? नगर पालिका वित्तीय वर्ष के दौरान समय समय पर क्या करेगी, किसी भी सीट्स के अधीन बजट अनुदान की रकम बढ़ा सकेगी। मतलब मान लो सफाई के लिए हमने रखे थे 40 रुपए, तो नगर पालिका को लग सकता है कि वो 50 भी कर सकती है उसे, और 30 भी कर सकती है, मतलब बढ़ा भी सकती है और आपके घटा भी सकती है। किसी विशेष या अप्रत्याशित आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त बजट अनुदान लाया जा सकता है। जैसे अचानक से कोई चीज आ गई कि हमें यहाँ पे पैसा खर्च करना जरूरी हो गया है, जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना के लिए वहां पे एक तरह से अतिरिक्त बजट अनुदान जो है उसके लिए आवश्यक है कि वहां पे अतिरिक्त बजट अनुदान लाकर खर्चा किया जा सकता है। किसी एक शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम
या अन्य सीट के अधीन बजट अनुदान की रकम अंतरित की जा सकेगी। जो मैंने आपको बताया था कि एक सीट से दूसरे सीट में राशि का ट्रांसफर किया जा सकता है अधिशेष राशि का, परंतु वित्त समिति की सिफारिश के बिना उक्त कार्य को नहीं किया जाएगा। जो हमारी वित्त समिति है ना आपकी नगर पालिका की या नगर निगम की, उसकी सिफारिश के बिना ये कार्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये थी ये सारी स्थिति। तो मैंने आपको बताया कि बजट किस तरह से होता है, किस तरह से जो आपके है नगर पालिका के लिए पैसा आता है, पैसा जाता है, खर्च कहाँ होता है, आय कहाँ से होती है, ये सारी चीजें, नगर पालिका निधि क्या होता है, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है धारा 89 तक। 76 से 89 तक आपकी ये था नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि, अध्याय आपका 5। तो ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नगर पालिका का राजस्व, कि नगर पालिका को प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है, इनकम ऑफ सोर्स नगर पालिका का क्या क्या है, तो वो सारी चीजें हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो आपके 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं और धीरे धीरे सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। हमारा टारगेट है दिसंबर, दिसंबर तक हम हमारा जो है ये सारे नगर पालिका अधिनियम कर देंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव सीरीज। ऑब्जेक्टिव सीरीज मैंने इतने अच्छे क्वेश्चन बनाए कि आपको वहां से डेफिनेटली क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आपकी जो है सोच विकसित होने वाली है। ठीक है, और भी हम सारी चीजें करते रहेंगे धीरे धीरे। और बच्चे कह रहे थे कि योजनाओं को साथ में चालू करने के, तो योजनाओं का लिए मैं आपको बता दूं कि योजनाएं मैं साथ में चालू इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी ये सारी चीजें समझ में आए, उसके बाद योजना इजीली समझ में आ जाएगी। उसके बाद क्या होता है कि आपका मई में पेपर है तो हम योजनाओं को बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि मई तक तो हो सकता है बजट के अंदर उन योजनाओं में संशोधन हो जाए, कुछ कुछ नया अपडेशन हो जाए। ठीक है, अपडेशन होने के बाद हम एक ही चीज के लिए 2 बार मेहनत करने से बढ़िया कि एक ही बार अच्छे से मेहनत कर लेंगे। तो योजनाओं का तो कुछ नहीं है, 3 योजनाएं आपकी सारी और भी कुछ योजनाएं, तो हम बिल्कुल अलग से उसको चीज को पढ़ेंगे। तो आप ही जो है नगर पालिका एक्ट सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये कंप्लीट होते हैं हमारा, ये मानो भाग जो पार्ट बी है उसका 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगर इसको कंप्लीट कर लिया तो। 60 क्या, मैं तो बोलता हूँ 70% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल पे सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों के साथ भी, शेयर करिए उनको भी, और कोई चीज में प्रॉब्लम है आप कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं, मैं एक ही कमेंट का रिप्लाई बिल्कुल डेफिनेटली करता हूँ। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।